जय हिंद, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल लक्ष्य सूटर्स। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे UCC के बारे में। UCC है क्या, उसका तात्पर्य क्या है और क्यों ये लाया गया। तो सबसे पहले आ जाओ UCC के बारे में जान लेते हैं। तो UCC का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है यूनिफॉर्मल सिविल कोड। अगर इंग्लिश की बात करें तो हमारा UCC का मतलब है यूनिफॉर्मल सिविल कोड, और हिंदी की बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है समान नागरिक संहिता। यहीं से हमारा तात्पर्य यह निकलता है, समान नागरिक संहिता मतलब क्या है, आखिर इसको लाया क्यों जा रहा है या फिर इसको लागू क्यों किया जाएगा। तो सबसे बात आती है कि हमारे भारत में कई संप्रदाय, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनके ऊपर, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर एक ही कानून हो, ऐसा ना हो कि हर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून हो। इसलिए हम लोग इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं हमारा UCC। देख लो इसमें होता क्या है। देश में सभी धर्मों समुदाय के लिए एक समान कानून बनाने की बात की गई है। यानी देश में जितने भी धर्म हैं, यहाँ पे हमने लिखा है धर्मों, या फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं धर्म। देखिए, हमने धर्मों इसलिए लिखा है क्योंकि एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई, इसलिए मैंने यहाँ पे धर्मों की बात की है, एक धर्म का बेसिकली बात नहीं किया है। तो देश में सभी धर्मों या फिर समुदाय के लिए एक समान कानून बनाने की बात की गई है, वो हमारी होती है UCC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे UCC लाने से हमें फ़ायदा क्या है। तो देखिए, सबसे बात अगर करते हैं मुस्लिम की, तो मुस्लिम क्या हो, मुस्लिम में आता है हमारा, पहले आता था 3 तलाक, अभी भी आता है, लेकिन पहले सबसे, अब देखिए UCC लाने का मेन जरिया किसी भी चीज़ का मिसयूज करना। हमने अगले वीडियो में बताया था मिसयूज का मतलब कह सकते हैं हम लोग कि गलत तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे मुस्लिम में था 3 तलाक, अब देखिए 3 तलाक अभी भी बंद तो नहीं है तलाक, लेकिन फिर भी कंट्रोल है। अब देखिए, उस समय लोग क्या करते थे, कहीं भी फेसबुक पे उठाया, डाल दिया 3 तलाक, हो गया 3 तलाक, कल सुबह दूसरे से शादी कर लेगा। फिर सुबह उठा, उसको मूड मतलब गुस्सा आया, लिख दिया 3 तलाक, फिर वो भी गया, उसका भी तलाक हो गया और अगला फिर से शादी कर लेगा। देखिए, ये मैं नहीं मानता हूँ कि सभी लोग जितने भी लोग तलाक देते हैं सब लोग गलत होते हैं, लेकिन एक तो ये मानता हूँ कि कुछ लोग उसमें होते हैं जो कि मिसयूज करते हैं, मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टूडेंट, अगर बात करते हैं इसकी, फेसबुक की, तो फेसबुक पे अगर मैं मानूँ कि फेसबुक पे मैंने लिख दिया तलाक 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 और मेरा तलाक हो गया, तो ये मिसयूज हो गया ना। हर चीज़ के लिए एक सिस्टम होता है, तो मिसयूज हुआ। अब देखिए, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके साथ बहुत अच्छे लड़के भी उनके साथ रह नहीं सकते, उनके साथ जिंदगियां नहीं बिता सकते हैं, और कुछ ऐसे लड़के खच्चड़ मिट जाते हैं जिससे कि कितना भी अच्छी लड़की हो लेकिन साथ रह नहीं सकती, तो फिर उनका क्या होगा, तलाक तो लेना ज़रूरी होगा। लेकिन इस प्रोग्रेस को, इस प्रक्रिया को हम लोगों ने क्या किया, बढ़ा दिया कि नहीं, तुम भाई जब तक ये दोषी करार ना हो जाए तब तक तुम शादी नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमने लाया UCC। दूसरा, ये भी एक और चीज़ कह सकते हैं, UCC आने से हमारी शिक्षा में भी बेहतर पॉलिसी मिलेगी। अब कहेंगे कि शिक्षा की क्या बात आ गई, तो देखिए अभी तक बात हो रहा था जैसे UCC हो गया, तो UCC का मतलब ही हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता। तो इसमें तो ये भी बात करेंगे ना कि जितने भी हरिजन हैं, जनरल हैं या फिर OBC हैं, सभी कास्ट के लोगों के लिए UCC हो, यानी कि समान नागरिक संहिता हो। अब ऐसा नहीं हो कि जो SC ST है, कह सकते हैं SC कहते हैं ना आप लोग, SC, इनको 33% पे पास कर दिया जाए और हमारे लिए 93% आने के बावजूद भी हमें फेल कर दिया जाए, ये तो अलग बात हो गई। कि अब ये सवाल आप उठाएंगे कि सर, जब इतना चीज़ इसमें है तो अभी तक हो क्यों नहीं रहा है। देखिए स्टूडेंट, अभी तक ये कहा गया था कि 2024 से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे देश में अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। पूर्ण रूप से लागू न होने का मतलब मैं बता रहा हूँ, देखिए हमने कहा कि हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, तो पूर्ण रूप में ये कहेंगे कि सर कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन नहीं स्टूडेंट, एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ये लागू हुआ है, उसको हम लोग कह सकते हैं गोवा। गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पे UCC लागू हो चुका है, और ये UCC बहुत अच्छा है, इसको अप्लाई होना चाहिए, मीन्स कि हमारे दैनिक जीवन में आना चाहिए, UCC का इस्तेमाल होना चाहिए। कोर्ट को भी इसके कहना चाहिए कि नहीं, इसको लागू करिए, इसको कह सकते हैं परमिशन देना चाहिए, अनुमति देना चाहिए। और पीछे स्टूडेंट, जो आपने कहा ना, कह सकते हैं कि तू लोग को आता है कि प्यार मोहब्बत ये सब, देखो अब पढ़ाई लिखाई कर लो, प्यार मोहब्बत कोई भी सच नहीं होता है। बात आती है कि प्यार मोहब्बत करने चले हो, तो एक चीज़ बताओ,
यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एक प्यार, जब ये लिखा हुआ ही आधा है तो पूरा हो कैसे सकता है ये बताओ। इसने तुम ही लोग बोलते हो ना प्यार, तो हमने लिखा हुआ ही है आधा प, प्यार तुम लोग लिख कर भी देख लेना, प्यार ऐसे लिखा जाता है, तो फिर ये आधा है तो ये पूरा कैसे हो सकता है? कहते हो कि साथ छोड़कर चली गई, साथ नहीं निभाई, कैसे हो सकता है जब आधा पहले से लिख रहे हो? एक हमारा आता है मोहब्बत, ये भी तो पूरा नहीं है, यहाँ पे वह आधा हुआ है, तो जब पूरा नहीं है तो होगा कैसे? एक और आता है हमारे, इसमें कह सकते हैं ये कहते हो, इसमें भी तो एक आधा है, ये भी तो पूरा नहीं है, तो फिर तुम लोग कैसे मानते हो कि ये पूरा साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जिंदगी में साथ नहीं निभा सकते हैं। यहाँ पे खुद हमारे रिटर्न में देख लो, इसको लिखे प आधा हो गया, यहाँ पे बात आई ब आधा हो गया, अगर इसमें बात आती है तो सा आधा हो गया, और कोई नाम होगा तो उसका भी नाम ढूंढ कर देख लेना, वो भी पता चला कि आधा ही है, तो जब इसको लिखने से आधा है तो फिर ये जिंदगी में पूरा हो कैसे सकता है? तो सबसे अच्छा है पढ़ाई करें, इसके पीछे ना पढ़े। और एक और चीज़ बताते हैं, जिस दिन हम लोग सक्सेस हो जाएंगे ना तो इसकी लाइन लग जाएगी, और जिस दिन हम लोग अनसक्सेसफुल हो गए, हमारा मिशन छूट गया, तो फिर हम लोग पछताने लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू स्टूडेंट।